नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के बाद और मार्वल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के एक सफलदायक वीडियो के बाद। करीब करीब सफलदायक वीडियो के बाद आपका फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले डीसी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि सुपरमैन और बैटमैन डीसी मार्वल के सबसे मेन कैरेक्टर है और उन्होंने कई सारे कॉमिक एक साथ देखी है और बहुत सारे आरकारक सीरीज में वो एक साथ देखे भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का वर्स्ट गिनीज रिकॉर्ड होल्डर की सुपर हीरो के नाम पे सबसे ज़्यादा बार देखने पे? उसका जवाब अगर सुपरमैन होगा तो वो गलत है, उसका जवाब है बैटमैन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बैटमैन ने करीब 6,220 से ज़्यादा कॉमिक बुक के अंदर अपना अपीयरेंस दिया है और उसी के साथ वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन सुपरमैन उसी जगह पे सेकेंड नंबर पे आता है, जो कि सिर्फ 3,000 के करीब ही पहुँच पाया है। इसी के साथ इस बैटल के अंदर आराम से बैटमैन की जीत हो जाती है। दोस्तों, कॉमिक बुक और मूवी के अंदर सुपर हीरो की लव स्टोरी दिखाना बहुत ही आम बात है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि वंडर वुमन का पहला लवर ग्रीन लैंटर्न था या फिर होने वाला था? इसकी मांग खास दर्शकों ने की थी कि ग्रीन लैंटर्न को वंडर वुमन का साथी बनाया जाए और मार्वल ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार भी दर्शाया था कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही आश्चर्य कपल बनेगा डीसी के लिए। लेकिन कुछ कारणों के वश ये नहीं हो पाया। लेकिन जिस वक्त ग्रीन लैंटर्न की मूवी आई, उस वक्त हमें लगा कि वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न के बीच में एक लव स्टोरी फिर से दिखाई जाएंगी। लेकिन मूवी के फ्लॉप होते ही ये सपना भी फिर से टूट गया और शायद हमें आगे वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न के बीच में कुछ देखने को मिले। लेकिन उसके लिए पहले ग्रीन लैंटर्न को फिर से एक नया रूप लेना पड़ेगा या फिर से फेमस होना पड़ेगा, जैसे वो पहले कॉमिक में हुआ करता था। लेकिन शायद इस नए मूवी के फ्लॉप होने के बाद ये नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप डीसी को फॉलो करते हो या ना करते हो, आपको फ्लैश के बारे में तो ज़रूर पता होगा। फ्लैश के नए सीरीज में तो उसका डायलॉग ही है, आई एम अ फास्टर मैन इन द वर्ल्ड हु कैन बी अलाइव, यानी कि मैं दुनिया का अब तक के जीने वाला सबसे फास्ट इंसान जिंदा बचा हूँ या फिर जिंदा हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉमिक बुक के एक इशू के अंदर, जिसका नाम इन्फिनिटी अर्थ था, उसके अंदर वो खुद को एक पावर अप भी देता है। इस पावर अप के अंदर वो टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करता है अपनी खुद की स्पीड के ऊपर, जो कि थे स्टीवन हॉक की एक लाइटिंग स्पीड। स्टीवन हॉक का कहना था कि अगर कोई इंसान लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा भाग सकता है या ट्रैवल कर सकता है तो वो इसी दौरान टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। इसी के दौरान और इसी सिद्धांत के ऊपर अपना फ्लैश भी काम करता है और इन्फिनिटी अर्थ के ऊपर वो आगे बढ़ते हुए लाइटिंग के स्पीड से आगे बढ़ता है और फिर से टाइम ट्रैवल करते हुए पीछे आके खुद को ही धक्का देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा स्पीड पा सके। ये समझाना कई मुश्किल हो सकता है कि ये कैसे हो गया या फिर ये किसी तरह से पैराडॉक्स क्यों नहीं बन पाया। लेकिन यही एक सच्चाई है और ये बहुत ही अलग चीज़ है कि किसी कॉमिक के अंदर पहले भी नहीं दिखाया गया था कि किसी ने इस तरह से और किसी सिद्धांत के ऊपर से अपनी टाइम ट्रैवलिंग की हो और बिना किसी तरह के विद्युत या संक्रमण के। दोस्तों, कॉमिक बुक के अंदर अलग अलग यूनिवर्स होना बहुत ही आम बात है। यह हमें मार्वल के यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है और ब्लैक हॉर्स जैसे कॉमिक बुक्स के अंदर भी देखने को मिलता है। उसी के साथ हमें डीसी के अंदर भी ये देखने को मिलता है कि डीसी के अलग अलग यूनिवर्स या फिर अलग अलग डायमेंशन बने हुए हैं। लेकिन इसमें से सबसे खास डायमेंशन आता है अर्थ 23 या फिर यूनिवर्स 23। इस अर्थ के अंदर सभी के सभी ओरिजिनल ह्यूमन, यानी कि जो उस समय पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो आइकॉन थे, उनके ऊपर सुपर हीरो बनाए गए या फिर उन्हें सुपर हीरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि ब्लैक सुपरमैन जैसा था डब ओबामा को, जो कि थे उत्तर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, यानी कि ब्लैक राष्ट्रपति। और जहाँ की वंडर वुमन जैसा थे कि वॉर्स नॉन्स को, या फिर मुझे इसका नाम ठीक से नहीं। नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे डीसी के अंदर सुपर हीरो से ज़्यादा सुपर विलन ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर जोकर है। लेकिन क्या आपको पता है, एडम जो कि सुसाइड स्क्वाड के एक को क्रिएटर भी थे, उनको जान से मारने की धमकी मिली थी।
यह धमकी सिर्फ उनको इसके लिए मिली थी क्योंकि उन्होंने हार्ली क्विन का कैरेक्टर को कुछ अलग तरह से बनाने का विचार किया था, या फिर उन्होंने हार्ली क्विन का कैरेक्टर को पूरी तरह से नए ढंग में रंगने की कोशिश की थी, जैसे कि उनके बाल को कलर करना और उन्हें कोई भी मास्क ना देना। और ये इसी वजह से ये फिल्म सफल भी हुई, लेकिन इसके वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें हमारा खुद का एक सुसाइड स्क्वाड की पहली मूवी मिल भी गई, जो कि 2016 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली पहली मूवी थी। और दूसरी मूवी का नाम था डेडपूल, जो कि मार्वल की तरफ से बनी हुई थी 2016 में। नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज के अंदर होके का नाम लूँगा तो आपको शायद कुछ अलग लगेगा, या फिर आपको फिर से टाइटल पे जाके देखना पड़ेगा कि ये पक्का डीसी के बारे में ही है क्या। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ दोस्तों कि जस्टिस लीग और एवेंजर के अंदर एक बहुत ही कॉमन बात थी जिसका नाम था होके। जी हाँ, एक ही समय पर होके जस्टिस लीग और एवेंजर में एक साथ देखा था, और उसी के दौरान हमें ये लगा कि हमें आगे जाके जस्टिस लीग और किसी तरह से एवेंजर का एक क्रॉसओवर ओरिजिनल मूवी में भी देखने को मिलेगा। मैंने इसके मूवी क्रॉसओवर या फिर कॉमिक क्रॉसओवर के ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप वो आगे आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम बात करें होके की, तो वो जस्टिस लीग और एवेंजर के साथ एक ही साथ काम भी करता था, एक ही नाम से और एक ही आइडेंटिटी के साथ। लेकिन उसी के साथ हमने जब एवेंजर के अंदर होके को देखा तो डीसी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और उन्होंने अपने ओरिजिनल यूनिवर्स से होके का नाम डिलीट कर दिया, भी रद्द कर दिया। बहुत से लोगों को लगता है कि होके का ही नाम चेंज करके ग्रीन एरो रखा गया था, लेकिन ये बात बिल्कुल तरह से अलग है क्योंकि जस्टिस लीग के एक सीरीज के अंदर होके और ग्रीन एरो ने एक साथ लड़ाई भी की थी। इसका मतलब है ग्रीन एरो और होके अब अलग अलग है, लेकिन किसी वक्त पर ये दोनों एक ही साथ टिका करते थे, लेकिन अब डीसी के अंदर होके ये एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 2। दोस्तों, अगर हम पहले की दुनिया की बात करें यानी कि पहले के ज़माने की, तो उसके अंदर एक बहुत ही कॉमन सी बात थी कि लोगों के अंदर आपस में बहुत ही मतभेद बढ़ गया था, जैसे कि ब्लैक ह्यूमन और वाइट ह्यूमन के अंदर बहुत ही झगड़ा होता था, उसी तरह से जैसे इंडिया में किसी वक्त पे मुस्लिम और हिंदुओं का हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से ये सावधान बदलने लगा तो उसी तरह से ह्यूमन का रिसोर्सेज भी बढ़ने लगा और वो एक साथ रहने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि डीसी के अंदर पहला ब्लैक सुपर हीरो कौन था? तो उसका नाम था ब्लैक बॉम्बर। ब्लैक बॉम्बर के पास एक लाइटनिंग पावर थी, जो इस तरह से वो अलग अलग विलन को अपनी लाइटनिंग पावर से हरा देता था, और आगे जाके इसी का नाम चेंज करके ब्लैक लाइटनिंग भी रखा गया, और उसी को ठॉक का एक दूसरा वजह भी माना जाता है। नंबर 3। दोस्तों, आपने रेक्स शूटर को तो बैटमैन व सुपरमैन में एक, लेकिन क्या आपको पता है कि रेक्स रूटर ने यानी कि रेक्स ने सुपरमैन का डीएनए लिया था, उसी के साथ केंट का भी डीएनए उसके नॉर्मल फॉर्म में लेके उनका टेस्ट करवाया था, और इन दोनों के अंदर एक बार साबित हो गई थी कि ये दोनों अलग अलग इंसान है। अगर आप कॉमिक बुक के अंदर या मूवी के अंदर जाके ये बात रेक्स से कहे कि ये कि केंट ही सुपरमैन हो, तो वो ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इन दोनों के डीएनए टेस्ट अलग अलग निकले थे और उसके साथ उन्होंने ये कह दिया था कि केंट सुपरमैन हो ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के टेस्ट नेगेटिव है। नंबर 2। दोस्तों, आपको एक बात तो पता है कि डीसी और मार्वल के अलग ही क्रॉसओवर है, इसके अंदर एक थर्ड यूनिवर्स भी बना था जिसके अंदर यूनिवर्स के अलग अलग सुपर हीरो एक ही फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन इसी कॉमिक के अंदर हमने देखा कि रेड स्कर्ल जो कि एक मार्वल का कैरेक्टर, वो जोकर को हायर करता है एक एटम बम और एक न्यूक्लियर बॉम्ब को चुराने के लिए। लेकिन जिस वक्त जोकर को पता चलता है कि रेड स्कर ये नाजी के तरफ से है और वो हिटलर के लिए काम किया करता था, तो जोकर साफ मना कर देता है। जोकर कहता है कि मैं खुद एक विलन हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं एक यूनाइटेड स्टेट का विलन हूँ, और मैं एक बड़े ही विलन हूँ, लेकिन मैं अपने देश के साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और इसी के साथ वो नाजी का यानी कि द रेड स्कर का ऑफर ठुकरा देता है और फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब अपने सही जगह पर रख देता है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो सके। नंबर 1। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डीसी के कॉमिक की, तो ये बहुत ही सफल पूर्वक एक अभियान था जिसके अंदर कॉमिक बुक को एक नया पायदान मिला और उसी के साथ कॉमिक बुक फेमस भी हुए। लेकिन क्या आप जानते कि डीसी का फुल फॉर्म डिटेक्टिव कॉमिक भी था? इसके साथ डीसी ने अपनी खुद की एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था द डिटेक्टिव कॉमिक कॉमिक्स। इसके अंदर 2 बार कॉमिक्स आते हैं। दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको एक और खास बात मिलेगी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी कि डीसी कॉमिक के अंदर रॉबिन खुद डिटेक्टिव कॉमिक पढ़ता है, यानी कि जो इवेंट हो चुके हैं
या फिर होने वाले, वो रॉबिन पहले से पढ़ रहा है। इसके बारे में डीसी ने कभी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन ये बात बहुत ही अलग है और कुछ अजीब तरह से है कि कोई अपना खुद का कैरेक्टर या फिर जो बातें कभी हुई नहीं वो अपने आप को कॉमिक के अंदर कैसे पढ़ रहा है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2006 के बाद ये सब कुछ बंद कर दिया गया और इसी के साथ डिटेक्टिव कॉमिक की एक नई सीरीज दुनिया के सामने पेश भी की गई। इसकी सबसे नई सीरीज है वी आर रॉबिन नाम के कॉमिक बुक, जो कि रॉबिन के 20 साल पूरे होने पर रिलीज की गई थी और इसके अंदर हमें 5 रॉबिन एक साथ देखने को मिलते हैं।